What is up? We are back again in Cricket 24. Virat Kohli career mode part number 2. Hell yes. तुम लोगों को चाहिए था वही part, तो here we are right now. थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ रही होगी अभी मेरी, तुम लोगों को थोड़ी सी अलग लग रही होगी. वेल अभी ताया था मेरे को वायरल होके आटा है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना एक कुछ वीडियोस के लिए, एक दो वीडियोस के लिए, उसके बाद वापस से नॉर्मल आवाज पे आ जाऊंगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, सारी दवाइयां खा रहा हूँ. तो वेल आज होने वाला है भाई MI वर्सेस RCB, किसके इंतजार है. इस वीडियो का लाइक होने वाला है 1500 लाइक्स का. 1 लाइक इक्वल्स टू 1 प्रेयर फॉर मी टू गेट माय वॉइस बैक. चलते हैं भाई, खेलते हैं, लेट्स गो. वेल आज मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि मेरे कैमरे पे वैसे कम ही फोकस रखना, क्योंकि मेरी आंखें आज चढ़ी हुई हैं, पूरी नशे में है, गोली खाई हुई है, इसलिए भाई ऐसे नहीं करता मैं. लेट्स गो यार, अभी के लिए सबसे पहले भी तो चलते हैं भाई मुंबई. अपने को ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ पर, अपने अवे मैच के अंदर जा रहे हैं. मैच होने वाला है RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस. लेट्स गो. मेरे को समझ नहीं आता यार ये कैप्टन कैसे है. मैंने बहुत कोशिश करी भाई जाके टीम्स के अंदर इसको चेंज करने की, कैप्टन चेंज होता ही नहीं है, मैं क्या करूँ. ऑल राइट, सो हियर वी आर राइट नाउ इन द मुंबई का स्टेडियम. विराट कोहली करियर मोड होने वाला है यहाँ पर सर जी. चालू, किसका इंतजार है. लेट्स गो एंड प्ले द गेम. मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी इन IPL आई थिंक सो. मुंबई RCB, RCB CSK और भी काफी सारी है. अब हर टीम को अपनी अपनी राइवलरी अच्छी लगती है भाई. मैं RCB का बंदा हूँ, मेरे को वो अच्छी लगती है भाई. कौन टॉस जीता, पंड्या भैया जीते, हारे. हेजलवुड भैया क्या लोगे फिर ये बताओ. एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा कैप्टन क्यों है रैपिड प्लस सी टीम में, और इन्होंने बॉलिंग ले ली है सर, मतलब हमें बैटिंग करनी पड़ेगी डायरेक्टली. आ गई है भाई RCB की टीम. इसी के साथ बड़े दिन हो गए खेले यार, सच में दो तीन दिन हो गए भाई मेरे को ना बीमारी के चक्कर में. भाई रोहित और ईशान किशन आ चुके हैं, थोड़ा सा अपने स्ट्रेचिंग मार लेते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भैया क्या दिक्कत आएगी, थोड़ा अपने भी मार लो. सिराज भी यहाँ अपने वही छपरी वालों के साथ आके यहाँ पर तैयार, रेडी टू रॉक. लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स गो. रोहित भैया तो आउट हो गए 7 रन पे. ईशान किशन भाई 95 कौन मार गया वे. पहले अभी के लिए तो विराट दी कोहली जी आ चुके हैं क्रीज पे सर जी, रन मारने आज तगड़े वाले बता रहा हूँ मैं तुम्हें. विराट कोहली इज रेडी टू रॉक सर जी, लेट्स गो हियर. और अभी मेरे को पहले तो ये बताओ कि 95 कौन मार के गया है. सूर्य कुमार यादव 95 मार गया भाई, ये नेक्स्ट कैप्टन है मुंबई का, सबको पता है. हार्दिक को हटा रहे हैं अगले साल, यही उड़ती उड़ती खबरें आ रही है मेरे को तो. वी विल सी. अभी के लिए पहली बॉल और रन नहीं लग पाया सर. कोई ना कोहली भैया, कोई ना. पहले ओवर में डुप्लेसी ने 2 रन मारे और ये टारगेट कितने का दिया 168. 95 के बावजूद 168. ये शॉट है विराट कोहली, क्या ये चौका जाएगा विराट कोहली के बल्ले से. बिल्कुल जाएगा सर, पहला चौका इसी के साथ. आज मैं थोड़ा कम चिल्ला पाऊंगा, मेरा गला बैठा हुआ है जैसा कि तुम लोगों को पता है, इसलिए एडजस्ट मार लेना गाइस प्लीज. शॉट है कोहली भैया, ये चौका है कोहली भैया, अपनी कवर ड्राइव स्पेशल मार रहे आज है. टैटू बढ़ रखे है हाथों में दोनों, सही है कोहली भैया. एक दिन मैं भी टैटू लगाऊंगा भाई. ये गलत लग गया बट बच जाएंगे, सिंगल आएगा सर इजिली. थोड़ा लेट हो गया यार, यॉर्कर को फुल टॉस बनाने की कोशिश कर रहा था मैं. वेल जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं अभी के लिए यहाँ पर सर. अब विराट कोहली को जसप्रीत बुमराह खेलना पड़ेगा, ये बड़ा तगड़ा हो सकता है भाई ये. अरे हाउन सर जसप्रीत, अरे यार सिंगल ही आएगा इसी के साथ. ओ ये कौन आ गया भाई, एक और छपरी इनका. अरे डुप्लेसी फाइनली थोड़े बहुत रन मार गया भाई पिछले ओवर के, ठीक है भाई. ले भाई पहला शॉट हमने मार दिया यहाँ पर छक्का. तुषारा को टारगेट बनाने की मैं सोच लिया, अभी किसी ना किसी को तो बनाना ही पड़ेगा, रन तो लगाने हैं भाई. सारा प्रेशर लास्ट के लिए छोड़ देंगे, वही बात हो जाएगी फिर सिंगल डबल वाली. जब जब बॉल आएगी मारने वाली तब तब कोहली भैया उड़ाएंगे ऐसे करके और चौके मारेंगे सर. भाई ये हर बॉल मारने वाली दे रहा है, मैं क्यों नहीं मारूंगा भाई. ये बच जाएगा, बच जाएगा चौका. वैसे तो क्लोज कॉल था बहुत, कोहली भैया बहुत क्लोज था. ये लो नहीं कोहली भैया फिर से यार, मैं छक्के चौके मारता हूँ आउट होता हूँ यार हमेशा. कोहली भैया क्यों चल दिए, जिताना था RCB को. रजत पाटी तरह क्या होगा भाई, लगा दिए हमारी टीम ने फाइनली 19.1 ओवर में. किसी ने भी रन अच्छे खासे नहीं मारे हैं भाई, 38 में 34 मार के गए अपना ये पैक डुप्लेसी. सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं अभी के लिए मैन ऑफ द मैच, कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन. वही पाल लोमरोर बचा के गया है भाई अपने को सीरियसली, 29 बॉल में 62 से नहीं मारे वरना तो अपने हार ही गए थे. पहले अभी के लिए थोड़ी बहुत जिम की ट्रेनिंग करा देते हैं कोहली भैया की ना. कोहली भैया आज रोइंग मशीन पे बैठेंगे, पहले मेरे को लगता है कि इसको करना पड़ेगा. अरे ये क्या है भाई, ये कैसे करूँ मैं,
भाई ये कितना डिफिकल्ट है यार, इसको घुमाना कितना डिफिकल्ट है। पेड़ से नहीं हो रहा है रोइंग मशीन वाला, क्या बकवास है भाई ये, इसका कंट्रोलर ही बड़े बेकार है। ओके फाइनली ये थोड़ा ठीक चल रहा है। अबे एक रैप हो रहा था वो भी नहीं होने दिया। ओके 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 फाइनली एक रैप हो गया गाइस हमारा, शुक्र है। दो रैप कर पाया हूँ मैं पूरे टोटल में भाई, पूरे टोटल में दो रैप। पहल बिल्कुल ही फेल्ड था ये वाला तो भाई अपना। आरसीबी नंबर वन पे 5 में से 5, 6 में से 5 जीत के खा रहे थे अपने कोई ना। अभी के लिए सर जी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अपने जा रहे हैं, यहाँ पर आरसीबी वर्सेस एसआरएच का मैच, लेट्स गो एंड प्ले द गेम। हियर वी आर इन द चिन्ना स्वामी स्टेडियम। मैंने फाइनली स्टेडियम तो बदल दिया, अगर जिन्होंने पार्ट वन देखा होगा उनको पता होगा। होम ग्राउंड तो मैंने सेट कर दिया भाई चेन्नई और आरसीबी का, क्योंकि इन दोनों के ही होम ग्राउंड क्रिकेट 24 के नए अपडेट में बिल्कुल गलत आए थे भाई। जीत जाएंगे भाई अपने टॉस, अभी के लिए अपने हैदराबाद के बंदे हैं खड़े हुए और हैदराबाद टॉस जीत गया भाई। अभी मेरे को लगता है पहले बॉलिंग लेंगे 100% ये पहले बॉलिंग बैटिंग ली है। अरे अच्छा हैदराबाद, अरे यार आरसीबी है ना, ग्राउंड छोटा है, पहले अपने को 100% कोशिश तो ये करेंगे हैदराबाद वाले। आ गई भाई आरसीबी के टुल्ले यहाँ पर, अभी हमारे और उनके भी टुल्ले आने वाले हैं, लेट्स गो। आरसीबी में टुल्ले ही भरे पड़े हैं भाई, सारे ए टू जेड प्लेयर टुल्ले हैं। सिर्फ कोहली है जो कि बढ़िया प्लेयर है, जो कि टिका रहेगा तो उस टीम जीत जाएगी, वरना सारे टुल्ले ही है हैदराबाद में। चलो फिर भी ठीक है, एल देखते हैं भाई क्या होता है अभी के लिए। हैदराबाद तो भाई इनके तो एल लग गए 167/5। आगे भाई कोहली बे आगे चेन्नई स्वामी स्टेडियम में, फाइनली मौका मिल गया कोहली बे को आने का यार। कोहली बे इज रेडी टू रॉक चेन्नई स्वामी स्टेडियम के अंदर। इसी के साथ 168 का टारगेट ही है, पिछले मैच में 169 था, इसमें 168 है, इसी के आसपास ही चल रहे हैं अभी अपने। प्लेसी ठीक कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रख लेते हैं। इसी के साथ कोहली भी आ गया, सेंचुरी लगवाने का मेरा मन काफ़ी ज़्यादा है। अभी के लिए पैट कमिंस आए हैं बॉल लेके, अरे बच गए। बैट यार बड़ी तेज करा रहे बॉलिंग यार, अरे यार एज लग गया, ये पैट कमिंस ले गया यार विकेट, क्या फ़ायदा भाई, क्या रिव्यू लोगे कोहली भैया, क्या रिव्यू लोगे, क्लियर आउट था कोहली भैया, चल दिए 3 बॉल में 1 रन मार के हमारे। रजत पाटी दर आग भाई जिता दोगे ना भाइयों, अरे जिता तो देंगे, जिता दिया भाई जिता दिया, 50 रन फिर मार गया कोई एक बंदा अपना, एक्सवेल मार गया क्या, चलो एक टुल्ला चल गया आज अपना, बढ़िया है। चलो विल जैक्स भी मार गया रन, बढ़िया बात यह है। देखो कोहली भैया के बिना भी अवार्ड से भी जीत रही है, बड़ी बात यह है, वरना तो इनके तो भैया लगते हैं। अरे कोलकाता के साथ अरे मैच, अब मजा आएगा भाई यार, अपनी T20 रैंकिंग खराब हो रही है इस चक्कर में पता है। वेल वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत कोहली भैया के साथ, वो वाली रो बोइंग तो होनी रही थी अपनी, बस कोहली भैया आराम से 10-10, 15-15 किलो के डंबल हैं, चख लो मैं भी इतने ही चखता हूँ जिम में। देख रहे हो भाई तुम्हारा जिम करता है आजकल, सोच रहे थोड़ी बहुत बॉडी बना ले आगे जाके काम आ जाएगी। सेक्स दिखना भी बहुत जरूरी है भाई, बस बाल से ही कराने हैं वो। कमोन कोहली भैया 12 रैप लग सकते हैं, कमोन कोहली भैया यू कैन डू इट, कोहली भैया यू कैन डू इट, हाँ दम है हाथ में दम है बिल्कुल। वेल 12:30 के आसपास ही लग पाए, डिलीवरी बढ़ गई अपनी, चलो कोई ना। अगला मैच भैया गौतम गंभीर की टीम के साथ है ईडन गार्डन में, चलो भाई चलते हैं खेलते हैं फेलते हैं, लेट्स गो। रन लग जाए फिर से आउट ना हो जाऊं मैं जल्दी, सेंचुरी लगानी है यार। वेल आ गए अपने ईडन गार्डन के स्टेडियम में सर जी, इसी के साथ यहाँ पर अभी के लिए कोलकाता वर्सेज आरसीबी का मैच स्टार्ट होने वाला है। टॉस टाइम आ चुका है, श्रेयस अय्यर ने सिक्का उछाल दी, श्रेयस अय्यर की इसमें शक्ल सही है भाई, इंडिया टीम में बड़ी खराब थी भाई की शक्ल। चलो वेल कौन जीतता, कोलकाता जीत गया भाई, क्या लोगे बैटिंग लोगे बॉलिंग लोगे सबसे पहले तो मेरे को बताओ आप। और उन्होंने बॉलिंग ले लिया भाई, आरसीबी ना मेरे को लग रहा है सारे मैचेस पहले बॉलिंग करके ही जीतता है भाई, पहले बैटिंग करने के बाद हम हारे ही है। वेल आ गई इसी के साथ यहाँ पर केकेआर के धुरंधर लोग, रिंकू सिंह हमें आप तो दिख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भागते, और यहाँ पर आ गए हमारे फैब डुप्लेसी एंड विराट कोहली जी, इसी के साथ सर जी यहाँ पर, और सुनील नारायण भैया ये रहे, डुप्लेसी भैया ये रहे, और ये खुद आता हुआ अपना जो भी है बंदा, लेट्स गो। द फर्स्ट बॉल इज गोइंग टू गो राइट नाउ, कोहली भैया आ गया फाइनली क्रीज पे 133 की स्ट्राइक रेट के साथ, 41 का एवरेज 381 मैचेस के अंदर, खराब ही है हर्षित राणा आ गया अभी सामने। पहले ओवर में डुप्लेसी ने आज 8 रन मार लिए, बड़ी बात है। पर मेरे को लगता है कोहली भैया को ना पहले सेट कराना पड़ेगा, और अच्छा शॉट था ये, सिंगल ही आया पर। लेट्स गो कोहली भैया, दिस इज चौका यार, कम ऑन कोहली भैया, दिस इज चौका, इट इज अ चौका, कवर ड्राइव मास्टर है भाई कोहली भैया, एक बार कवर ड्राइव लगा लो, मैं कह रहा हूँ पिल देंगे। देखो टारगेट दे रहे हैं पावर प्ले में, जितने लगा सकते हैं उतने लगा लेने चाहिए अपने को ऑब्वियसली। अरोड़ा जी आ गए हैं अभी के लिए, पहले ये शॉट अच्छा है, क्या ये चौका जाएगा, ये चौका भाई आउटफील्ड बहुत फास्ट है यार, दिक्कतें अपने को भी आएंगी बहुत, लिख के ले लो। अगर देखो हम रन मारेंगे तो हमें खाने भी पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोहली भैया ये शॉट मार दिया अपने,
टाइमिंग थोड़ी ठीक ठाक थी, चौका चला गया लकीली। ये शॉट है कोहली भैया, ये चौका है कोहली भैया, इजी चौका। इसी के साथ एक और हर्षित राणा कोई मारेंगे भाई अपने, बेकार शॉट है, बट दो रन आ जाएंगे जितना मेरे को लगता है। पहले अभी के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने लेग साइड में मारने की, दस शॉट अगर बॉल आती है तो सारी बाहर आई भाई। मिचेल स्टार्क आ गया भाई, वेल डुप्लेसी ने स्टार्क को कूट दिया यार, इन शॉट देखा जाए तो अभी 4, 5, 6, 7 रन तो डुप्लेसी मार गया। बताओ नहीं यार, नहीं कोहली भैया यार, ये स्टार्क भी विकेट ले गया भाई यार, रन ही नहीं लग रहे भाई आज, जो लगा रहा हूँ भाई लेट भाई, वही बोल रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए ना, हाथ भाई ठंडे पड़े हुए हैं बिल्कुल। वेल हमने 170 कुछ मारे हैं, मेरे को लग रहा है कि क्या क्या इजीली मार देगा, 170 क्या लगा दिए भाई उन्होंने मेरे ख्याल से। तो 179 पे 5, 20 ओवर के बाद जीता कौन है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। वेल ये बन तो गया अभी श्रेयस अय्यर, वेल 5 विकेट भाई यार, लास्ट विल बॉल पे सिंगल रन चाहिए था लगा के, वो प्लेसी 82 मार गया, दिनेश कार्तिक 56 मार गया भाई। प्रैक्टिस छोड़ो भाई, अगला मैच फिर से अपने पैट कमिंस के साथ है, आ जा भाई, इस मैच में कूटना है भाई, कूटना है आराम से। लो भाई जी हैदराबाद पहुंच गए इस बार अपने, पिछली बार चिन्ना स्वामी आए थे हैदराबाद वाले, आपने पहुंच गए अभी वहां पर। वेल टेल्स लिया, पिछली बार कोहली भैया 1 रन पे आउट हुए थे हैदराबाद के खिलाफ और हम टॉस जीत चुके हैं, क्या लेंगे हमारे भैया, बैटिंग मत ले लेना भाई, पहले बता रहा हूँ मैं, हारे पड़े हैं अपने बैटिंग ले लेके, बढ़िया किया बॉलिंग लिया भाई ने, सिंपल फंड है भाई, टॉस जीतो बॉलिंग लो मैच जीतो, इंडिया की सिचुएशन ही ऐसी है भाई, वेदर ही ऐसा है। पहल इसी के साथ आ गए यहाँ पर टुल्ले भैया और अभिषेक शर्मा जी, अच्छी क्या होता है भाई, 3 बंदे एक साथ डक पे, अभिषेक शर्मा राहुल त्रिपाठी, रन कितने मारे इन लोगों ने, टारगेट तो मेरे ख्याल से 9 के बराबर ही दिया शायद तक इन्होंने। विराट कोहली आ गए हैं अभी के लिए यहाँ पर क्रीज पे, होपफुली रन मार देंगे बढ़िया ढेर सारे। 164 का टारगेट फिर से दे दिया यार, 3 बंदे डक पे गए थे तो बाकी फिर रन मार गए, इसका मतलब है ये शॉट अच्छा है, ये गैप में भी है सर, रोका नहीं जा पाएगा बट 2 रन तो आ ही जाएंगे। कोहली भैया 50 रन तो मारने हैं, ठीक है देख लो बाकी आपको जो करना है कर लो। नहीं कोहली भैया, ये लो भाई छक्का फाइनली लगा दिया, टाइमिंग बैठ ही गई फाइनली भाई साहब, बड़ी देर लगी है छक्का आने में, नो बॉल के साथ वो भी फ्री हिट हमें मिलने वाली है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो यार। वेल फिर तो रन मारने बनते हैं, ये लो सर एक और छक्का इसी के साथ, एक बॉल में 13 रन आ चुके हैं भाई, भुवनेश्वर कुमार इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद दिस नो बॉल भाई। ये विराट भैया ने स्ट्रेट शॉट मार दिया है, चौका इसी के साथ इजीली जाएगा सर एक और, विराट भैया ठोक रहे हैं अभी, ये शॉट है सर, ये चौका है सर, लेट्स गो। समझा ले पैट कमिंग समझा ले, ये भी शॉट है, ये भी चौका है भाई, नहीं गया, गया चौका, चले जाना चाहिए था, पहुंच गया भाई फाइनली, लेट्स गो। बेचारे भुवनेश्वर कुमार जी, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को मारते हुए ऐसे, बट क्या करें सर, ये लो सर एक और चौका इसी के साथ जाएगा, ये हवा में शॉट, कोहली भैया ने तो पेल के रख दिए सौ रन पूरा भाई, 4 चौके 2 छक्के। भुवनेश्वर कुमार फिर से आ चुके हैं विराट कोहली के सामने, 5 डुप्लेसी भी 22 बॉलों में 24 रन मार के बैठा हुआ है, पहल सिंगल आएगा अभी तो, ये लो सर रिकॉर्ड छक्का इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार को भाई, सारे मैचेस का चुट्टा कर लिया इस मैच में विराट भैया ने, अब डूर डाई वाला सीन था भाई, रन मारो या फिर तो बस वही गालियाँ खाओ, वो विराट भैया ने संभाल लिया, अभी सिंगल भी नहीं आएगा अभी तो रुको। पहल 6 ओवर के बाद 64 पे 0 स्कोर चल रहा है अभी के लिए, टी नटराजन आ रखे हमारे सामने, 100 रन बनाने 14 ओवर में, कोशिश करेंगे मारने की, वाइड बॉल है ये तो वाइड है, ये भी वाइड है भाई, पहल नटराजन ने भैया जी 3 वाइड डाल दिया अभी विराट भैया को, ये फाइनली आई, सिंगल ले लेंगे अब तो भाई, काम बना बड़ा अपना बढ़िया। नीतीश कुमार रेड्डी जी आ चुके हैं अभी के लिए, इनके पास भी छपरियों की कमी नहीं है बिल्कुल यार, ये शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल कराए जा रहे हैं, गलत बात है भाई। पहले आरसीबी का अभी तो बढ़िया चल रहा है बट यही बात है, 1 विकेट जाने के बाद ना ये पूरी टीम रुल जाती है, तुम्हें पता ही है, विराट कोहली का विकेट जाएगा तो खासकर भाई 2-3 विकेट एक साथ गिरते हैं, तो वेल होपफुली ऐसा ना हो आज के मैच में जीते अपने ही वाला मैच, रन लगाए बढ़िया। पैट 2 आ गया भाई, पिछली बार आउट किया था कोहली को पैट ने, ये देखो वाइड, कितनी वाइड डाल रहा है यार याद, ये गैप है, ठीक है भाई फाइनली गैप आया।
पहले 9 ओवर के बाद 87 पे 0 चल रहा है अभी के लिए स्कोर। यार ये शॉट अच्छा था बट वही बात है, गैप नहीं मिल पाया। वेल अभी के लिए 50 तो होती हुई दिख रही है मेरे को, कोहली भैया की ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं है जब तक 50 हो रही है तब तक। अभी सिंगल ही आ पाएगा सर, ये कोहली भैया शॉट है, ये कोहली भैया चौका जाता हुआ लग रहा है, 50 होगी इसी के साथ, कवर ड्राइव के साथ करिए कोहली भैया ने 50 अपनी भाई जी। कोहली भैया बल्ला उठा दो यार, लेट्स गो यार, आपका लोगों का है मरफ का यार। पहले 70 रन चाहिए, 100 रन तो मुश्किल है कोहली भैया के लगाने, पैट कमिंस आ गया अभी सामने। यार ये बार बार ना शॉर्ट बॉल देता है, सिंगल लेना पड़ जाता है। विराट भैया रन मारो विराट भैया, हवा में है यार ये, काफ़ी देर तक रही, सिंगल ही आएगा, टाइमिंग नहीं बैठ रही यार, कितनी स्पीड से डाल रहा है बॉल। एक तो पहले 46 में 56 चाहिए, 46 रन चाहिए कोहली भैया को 50 के सेंचुरी के लिए। पहले वो तो अभी बहुत दूर की बात है सर, अभी तो सिंगल ले गए कोहली भैया, बस फैफ डुप्लेसी को स्ट्राइक दे रहे हैं, फैफ डुप्लेसी की 50 करा रहे हैं, नॉट आउट जा रहे हैं, अभी देख रहे हो अपने, ऐसे तो बढ़िया जा रहा है गेम। और लग गई मेरी हाई नज़र, मैंने ही लगाई है भाई यार, अच्छा कहा चल रहा था, फैफ डुप्लेसी का आउट हो गया। ये तो सर कैच होता हुआ लग रहा है मेरे को, जैसी जा रही है बॉल अभी के लिए, कोहली भैया अभी आउट हो गए, फैफ डुप्लेसी पिछले ओवर में हुआ था, अब कोहली भैया हो गए 42 में 49, मार लेना यहाँ से, मत बेइज्जती करवा देना आरसीबी वालों। विल जैक्स आ गए हैं अभी, वेल लग गए 164 रन, रियल लाइफ आर्ट से भी थोड़ी है, सही बात है भाई, 55 मारे डुप्लेसी और कोहली ने, फिर विल जैक्स आया भाई, चलो खुल्ला बन गया भाई अभी। अरे ट्रेविस हेड 109 रन मार के गया, सेंचुरी तो वो कर गया, ये तो देखा ही नहीं था मैंने। वेल पार्ट टू के अंदर अपने कुछ ज़्यादा रन तो लगा नहीं पाए हैं, क्या कर सकते हैं। वेल आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड, पूरा कर देना, थोड़ी और लंबी वीडियोज आएंगी। बाय बाय, हैव फन, बाय। मुस्कुराहट थी जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी, मुस्कुराहट थी इस दिल के धड़कने की, यही तो राज थी।